तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी रोज विरोध प्रदर्शन कर रही है और विरोध प्रदर्शन की जो जगह है वो हर दिन जरूर बदली जाती है। आज चूंकि विधानसभा का सत्र है और इस मौके पर आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक माहौल बनाया जाए, उनकी गिरफ्तारी कैसे अवैध है ये दिल्ली की जनता को बताया जाए। और इसी के चलते आज सुबह से ही एक एक करके जितने भी विधायक आम आदमी पार्टी के विधानसभा पहुंच रहे हैं, जमकर जा रही है, हाथों में तख्तियां लेकर जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं, उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्हें दिल्ली की चिंता है, जो दिल्ली को सुधारने के लिए काम करते हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन पर कैसे अवैध तरीके से केस दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या जैसा है। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रह सकते तब जबकि वो जेल में है, वो ईडी की कस्टडी में है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, आज पीली टी शर्ट पहनकर सदन में पहुंचे हैं, वेल में जाकर नारेबाजी की है। ये जो सत्र इस वक्त चल रहा है, आप कह सकते हैं कि सत्र को एक जरिया आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया गया है और इस सत्र से भी यही संदेश, यही मैसेज। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दर्जनों भ्रष्टाचार उनके द्वारा किए गए हैं, अनेक आरोप उनके ऊपर हैं, चाहे वो शराब नीति घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड घोटाला हो, चाहे वो जासूसी घोटाला हो, चाहे वो डीटीसी घोटाला हो, चाहे वो पेनिंग बटन घोटाला हो, चाहे स्कूल्स में जो रूम्स बनाए गए जो उसमें घोटाला हुआ है, तो एक नहीं एक दर्जन घोटाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किए। हजारों करोड़ रुपया उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर्स का लूटा है और दिल्ली जो है पूरी तरह से उन्होंने बर्बाद कर दी है और दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा है। ठीक है सर, ये बताएं कि आप लोग केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री भी प्रदर्शन कर रहे हैं, नई टी शर्ट पहन के आए हैं, मास्क पहन के आए हैं। हमारा कहना है नैतिकता के आधार पर भ्रष्ट केजरीवाल, जिन्होंने हर डिपार्टमेंट में और खास तौर से लेकर पॉलिसी में जो घोटाला किया है, इसलिए उनको अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि विधानसभा परिसर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक दोनों प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 8 विधायक हैं और दूसरी तरफ 62 विधायक वाली आम आदमी पार्टी, दोनों का प्रदर्शन चल रहा है। एक तरफ आपको पीले टी शर्ट में आम आदमी पार्टी के विधायक नजर आ जाएंगे। ये बताएं संजीव जी, उधर भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है ऐसी विधानसभा, वो बेचारे यहाँ भी भाव भाव कर रहे हैं और जब जनता के पीछे जनता भगा रही है, अब जनता झाड़ू को लेकर खड़ी हो रही है, जो ही झाड़ू देखती है भाजपा ही अपने भागते हैं, तो इसीलिए अब झाड़ू भी इनके सपने में आ रहा है। मोदी जी ने अपनी आखिरी गलती करी है। अभी नेता प्रतिपक्ष जो है वो कहते हैं कि एक दर्जन से ज्यादा मामलों में घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल। अरे भैया, शरद चंद्र रेड्डी के चंदा तुमने लिया, कंपनियों को धमका धमका के चंदा तुमने लिया, चंदा की चोरी तुमने करी और तुम कह रहे सरकार की जांच कर रहे, कोई जांच नहीं कर रहे। ठीक है त्रिपाठी जी, ये बताइए बीजेपी वाले भी आपके साथ ही प्रदर्शन कर रहे हैं, वो केजरीवाल हाय हाय कर रहे हैं। ये घड़ियाली असुर हो रहे हैं, ये देश के सबसे भ्रष्ट लोग हैं। इलेक्ट्रोनल बॉन्ड से खुलासा हो गया, देश के लोग जान गए कि ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्हीं लोगों से चंदा लिया, उन्हीं लोगों से गवाही दिला करके उन्हीं लोगों को टिकट दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार व्यक्ति को झूठे केसों में फंसाया और जेल के दम पर अरविंद केजरीवाल को डरा नहीं सकते, अरविंद केजरीवाल से डरते हैं मोदी जी। ठीक है, ये देखिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के विधायक एकदम कह सकते हैं कि बिल्कुल आमने सामने हैं। दूसरी तरफ आपको भारतीय जनता पार्टी के विधायक नजर आ जाएंगे और ये आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, विधायक हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के 8 विधायक हाथों में तख्तियां लेके भ्रष्ट केजरीवाल इस्तीफा दो, वो यहां पे पहुंचे हैं और वो लोग भी नारेबाजी कर रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा का जो आज सत्र बुलाया गया था वो कह सकते हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन के अंदर में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो खुद नारेबाजी कर रहे थे और सदन के बाहर भी, और उसके
बाद जब सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दोनों एक तरह से आमने सामने आ गए हैं और वहां पे नारेबाजी हो रही है। सिक्योरिटी पर्सन जो है ये आप देख सकते हैं, दिल्ली विधानसभा के अंदर जो मार्शल्स होते हैं वो सिक्योरिटी एक तरह से देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी पर्सनल है कि कोई टकराव की स्थिति ना हो। लेकिन दोनों तरफ से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो विधायक हैं वो एक ही जगह गांधी की प्रतिमा के पास में आके हंगामे कर रहे थे, नारेबाजी की जा रही थी। और ये ऐसा लग रहा है कि ये सदन जो है वो शायद इसीलिए बुलाया गया था कि अपनी आवाज बुलंद करे आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो वो लोग सड़क पे कर रहे थे वो सदन के अंदर में करें, और सदन के अंदर में करने के बाद जब इस परिसर में पहुंचे तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहुंचे, लीडर ऑफ अपोजिशन पहुंचे, और उसके बाद दोनों एक जगह आके हंगामेबाजी कर रहे थे। और अब जाके एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले जो विधायक है वो कह सकते हैं कि इधर से कॉरिडोर में गए हैं, वहां पे मीडिया से बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके विधायक और जो सपोर्टर्स हैं वो अभी भी परिसर में मौजूद हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं।